हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि जो जातीय विविधता है या जो पूरी जैव विविधता है, ये पूरी जैव विविधता का महत्व क्या है? अगर एक जातीय विविधता की बात करें तो उसकी महत्व क्या होती है? दूसरी नंबर बात हमें ये जाननी है कि जातीय विविधता अगर बढ़ती है तो उसके पीछे कौन-कौन से कारक होते हैं, कैसे जातीय विविधता कहीं पर बढ़ती है, उनके पीछे कुछ ना कुछ कारण होगा। आपको पता है कि एक छोटी सी कहावत है कि जो होती है आवश्यकता जो होती है वो आविष्कार की जननी होती है। मतलब जब किसी चीज की जरूरत पड़ती है तब आप उसकी तलाश करते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर कोई कार्य हो रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन रहा होगा। अर्थात क्या कि अगर किसी क्षेत्र में जातीय जैव विविधता अगर बढ़ती है तो उसके पीछे भी कोई ना कोई कारण रहा होगा, उसके पीछे भी कोई ना कोई रीजन होगा। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे उन कारकों के बारे में जिनकी वजह से आपकी जातीय जैव विविधता जो थी वो बढ़ती है। क्लियर? चलिए जरा सा जानने की कोशिश करते हैं कि जातीय जैव विविधता बढ़ती कैसे है। जातीय जैव विविधता, हम बोल्ट साहब की कल मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, किसके बारे में? जातीय जैव विविधता के बारे में। ठीक है, जिसमें जातीय समृद्धि के लिए हमने देखा था लॉग सी बराबर मैंने बताया था आप लोग को, एक छोटे से आंकड़े से मैंने एक एग्जाम्पल के साथ आपको बताया था। उसी के आधारित आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि विविधता की जो जातीय जैव विविधता है उसके कारण कौन कौन से है, मतलब कौन कौन से इसके कारक हैं, इन कारकों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब जरा समझिए कि जातीय जैव विविधता का मतलब क्या, कि एक समुदाय के जीवों की उत्पत्ति होना, एक समुदाय के जीवों की उत्पत्ति होना, के जीवों का उत्पत्ति होना और इसी को बढ़ना। जीव की उत्पत्ति भी सिर्फ एक समान वाले की और वृद्धि भी एक समान वाले की, तब न जाके जातीय विविधता होगी जी। तो ये तो कंफर्म हो गया, बात है, समझ गया कि जातीय विविधता के लिए, सॉरी, जातीय जैव विविधता जो जातीय समृद्धि है यह बरकरार अगर रखना है तो क्या, अगर रखना है तो क्या होना चाहिए कि समुदाय में एक जीव की वृद्धि होना चाहिए। तो वृद्धि क्या होगा कि जब यह जैव विविधता की बात करेंगे तो इसका पहला कारण होता है कि उत्पादकता में कमी आ जाए, इसकी किसमें कमी आ जाए, उत्पादकता में कमी। अब आप कहेंगे कि उत्पादकता क्या होती है और उत्पादकता में कमी क्या होती है, तो उत्पादकता के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताया था कि उत्पादकता का मतलब होता है किसी खास विशेष क्षेत्रफल में, अर्थात कि किसी विशेष क्षेत्रफल में जितने पौधे या जितने भी जीव उत्पन्न होते हैं, जितने जीव या पौधे उत्पन्न होंगे हम उसकी क्या कहेंगे, उत्पादकता कहेंगे। अब उत्पादकता क्या होती है कि स्पेशल विशिष्ट क्षेत्रों के लिए अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग रूप में होंगे। तो बात यहाँ पे कहती है कि उत्पादकता में कमी आनी चाहिए। तो उत्पादकता में कमी का मतलब क्या कि यहाँ पे बात दो होगी कि क्षेत्रफल अधिक होगा लेकिन, क्षेत्रफल अधिक होगा लेकिन यहां पे पाए जाने वाले प्रजातियों की संख्या घटेगी, कम रहेगी, यानी कि स्पीसीज स्पीसीजों की संख्या कम होगी, स्पीसीजों की संख्या कम होगी। दो चीजें हो गई कि क्षेत्रफल अधिक और स्पीसीज अर्थात कि प्रजातियों की संख्या अगर कम होगी तो उन्हीं बातों को हम दूसरे शब्दों में वन लाइनर वे में कह सकते हैं कि उत्पादकता में कमी आना। अब जरा समझिए कि उत्पादकता में कमी लाना जैव जातीय जैव विविधता को क्यों डिनोट करेगा। तो जरा समझिए कि स्पीसीज की संख्या, क्षेत्रफल अधिक है लेकिन कम संख्या में अगर स्पीसीज या प्रजाति कम है तो कंफर्म हो गया कि कम प्रजाति वाले, जो कम प्रजाति है उन्हीं जीवों की प्रगति होगी, कम प्रजाति जो अवेलेबल है
उन्हीं प्रजाति की क्या होगी, वृद्धि होगी। अब वृद्धि होगी तो बताइए किसी खास समुदाय की प्रजाति की जनसंख्या जो है तेजी से आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। तो उस कंडीशन में क्या होगी कि जातीय विविधता जो होगी वह बढ़ेगी, अर्थात कि उनकी वृद्धि होगी। अर्थात क्या इनके कारण के पीछे कौन जिम्मेवार है, तो उत्पादकता में कमी इसके पीछे एक रीजन है। ठीक है, मेन रीजन में क्या हो जाएगा, उत्पादकता में कमी, पहला नंबर बात। दूसरी नंबर अगर बात कीजिएगा, अगर सेकेंड बात हम लोग करते हैं तो सेकेंड मैटर में आ जाता है आपका कि यह जो उत्पादकता के अलावा बाहरी रूप से आक्रमण, दूसरा बाहरी जीवो या प्रजाति का आक्रमण, प्रजाति। ठीक है, अब बाहरी जीव या प्रजाति के आक्रमण का मतलब क्या, तो जरा समझिए कि मान लीजिए कि यह एक जीव एक समुदाय का लोग है। ठीक है, और मान लीजिए कि यहां पे अगर अटैक हो जाए किसी अन्य समुदाय वाले, देखिए ऐसे समुदाय वाला लोग यहाँ पे पहुंचने लगे, ऐसे समुदाय वाले जीव पहुंचने लगे और इनकी संख्या अगर अधिक हो तो बताइए यह इसके प्रभावित करेगा कि नहीं करेगा। बिल्कुल प्रभावित करेगा। मतलब क्या, बाहरी क्षेत्र से आने वाले अगर आक्रमणकारी जीवों की संख्या अगर अधिक होगी तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगा, उस समय भी जातीय विविधता बढ़ेगी। अर्थात क्या, बाहरी जीवों या जो जाति होंगे उनका आक्रमण, बाहरी जीवों का आक्रमण भी क्या करता है कि जातीय जैव विविधता पे बहुत बड़ा प्रकाश डालता है, एक बड़ा रोल अदा करता है कि जातीय जैव विविधता कैसी होगी, जातीय जैव विविधता को बढ़ाने में इनका भी बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने दो चीजें जान ली, एक उत्पादकता और दूसरी बाहरी जीवों की, क्या बाहरी जीवों या जाति की जो भी प्रजाति होंगे उनकी आक्रमण में कमी लाना। उसके बाद अगर बात करेंगे क्या होता है कि प्रति वर्ष जो होगा, जो तीसरा रीजन होगा वह क्या हो जाएगा कि प्रति वर्ष जो किसी खास जाति की हम बात कर रहे हैं उस जाति की संख्या में वृद्धि, प्रति वर्ष जातीय जनसंख्या में वृद्धि, जातीय जनसंख्या में वृद्धि। क्लियर, तो ये हो गया तीसरा डिजन, अर्थात कि उत्पादकता में कमी, बाहरी जीवों या प्रजाति के आक्रमण में कमी और प्रतिवर्ष जातीय जनसंख्या में वृद्धि। तो ये तीन कारण हो गए जिनसे जातीय विविधता सबसे अधिक प्रभावित होती है। अब जरा गौर कीजिए कि जातीय जैव विविधता इन चीजों से अगर प्रभावित होती है तो फिर जातीय जैव विविधता को बरकरार रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कि हमें करना ये पड़ेगा कि उत्पादकता में हमें जो जितना भी कमी करेंगे तो एक समुदाय बढ़ेगा, लेकिन अलग अलग समुदाय की प्रजाति इस धरती पर एक दूसरे की सामंजस्य बैठाने के लिए जरूरी होता है। अब उस कंडीशन में हमें सभी प्रजातियों पे प्रॉपर तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है कि सिर्फ एक ही प्रजाति की वृद्धि पर अगर ध्यान नहीं देते हैं तो वह प्रजाति धीरे धीरे विलुप्त तो होने लगती है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम जीवों में बात करें तो जीवों में बताइए कि अब आपके क्षेत्र में गिद्धों की संख्या कितनी दिखाई पड़ती है, बहुत कम दिखाई पड़ती है। जितना पहले काग और कौवे की संख्या आपके क्षेत्रों में दिखती थी उनकी संख्या क्या पहले की तुलना में आज अधिक है या उतनी ही है या उससे कम है, तो आप कहेंगे कि बिल्कुल उसकी संख्या में भी कमी आ गई है। अब जरा बात करेंगे उसी प्रकार से पौधों के लिए, तो जरा देखिए कि आपके क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे पौधे उगते थे, जंगली पौधे जो अब देखने को नहीं मिलते होंगे। तो देखिए ऐसे बहुत सारी ऐसी प्रजातियां जिन पर अगर प्रॉपर तरीके से ध्यान ना दिया जाए तो वह पहले क्या होगी, पहले वह आपका विलुप्त होने के कगार पे पहुंचेगी और उसके बाद विलुप्त हो जाएगी तो रेड डाटा सूची में जाके रिकॉर्ड कर दिया जाएगा।
मतलब सीधे शब्दों में कहा जाए तो जातीय विविधता पर ध्यान देना, प्रत्येक जाति प्रत्येक प्रकार के स्पीसीज पर प्रॉपर तरीके से ध्यान देना ही सबसे बड़ी जरूरी बात है। अगर प्रॉपर तरीके से ध्यान नहीं दिया जाए तो उस कंडीशन में वह प्रजाति की संख्या धीरे धीरे क्या हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी, और जनसंख्या जैसे विलुप्त होगी समझिए कि वह प्रजाति इस धरती से आपकी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। तो पूरी तरह से एक प्रजाति को बचाए रखने के लिए हमारे लिए क्या जरूरी है कि हम उस प्रजाति को सही तरीके से देखरेख करें। क्लियर आप लोगों? तो चलिए जरा सा बात कर लेते किसके बारे में कि जैव विविधता में कमी आती कैसे है। जैसे हमने जैव विविधता बढ़ने की बात करी, अब जरा हम बात करेंगे कि जैव विविधता में ह्रास। ह्रास का मतलब क्या होता है भाई? तो कमी, अर्थात कि जैव विविधता में कमी कैसे आती है, इनके बारे में जरा जान लेते हैं। चलिए जरा सा जान लेते कि जैव विविधता में ह्रास या कमी कैसे होती है। जैव विविधता में ह्रास की बात कर रहे हैं, तो जैव विविधता में ह्रास मतलब सीधे शब्दों में क्या है, तो जैव विविधता में किसकी बात कर रहे हैं हम, तो कमी की बात कर रहे हैं। तो जैव विविधता मतलब जीवों की संख्या जो होगी, जीवों के अलग अलग प्रकार जो होंगे, अलग अलग प्रकार होंगे, इस अलग अलग प्रकार में कमी आएगी, अलग अलग प्रकार में कमी आ जाएगी। तो जरा सोचिए कि अलग अलग प्रकार में कमी कैसे आएगी। तो इनके बारे में सबसे बड़ी बात है कि इनकी शुरुआत, इनके बारे में जानकारी रखने के लिए एक आपका क्या बनाया गया है, एक संस्था बनाई गई है जिसे हम कहते हैं IUCN। IUCN मतलब क्या, इंटरनेशनल यूनिट फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, राइट। मतलब क्या, इंटरनेशनल यूनिट फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यह जो इंटरनेशनल यूनिट है यहां पे आपको यूनियन भी देखने को मिलता है, तो यह कंफ्यूज होने की बात नहीं है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। मतलब क्या, प्राकृति में उत्पन्न जो आपकी जिंदगी है, जो जीवन है, उनके संरक्षण के लिए एक समूह बना है जिसे हम लोग कहते हैं IUCN, ठीक है। और इसी के अंदर आप लोग जो नोमेनक्लेचर वाला मैंने बताया था आपको, ठीक है, IUZN IUCN, तो वह कंडीशन जो होता है वो आपका क्या होता है, नोमेनक्लेचर वाला अलग नेम होते हैं, ठीक है। तो उनकी बार चर्चा हम लोगों ने पहले करी थी, थोड़ा सा हम लोग जान लेंगे कंजर्वेशन ऑफ नेचर क्या करता है। कंजर्वेशन ऑफ नेचर क्या करता है कि सभी प्रकार की जातीय समृद्धि पर ध्यान रखता है। यह सबसे बड़ी बात है कि जातीय समृद्धि पर ध्यान रखता है। अब आप सोचेंगे कि बताइए जातीय समृद्धि पर ध्यान देने की क्या जरूरत है। तो छोटे से एग्जाम्पल से समझिए कि आपका एक परिवार है और इस परिवार में कुल 10 सदस्य है। कितने सदस्य हैं? सदस्यों की संख्या कुल 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कुल कितने सदस्य हैं? 10 सदस्य। ये दोनों मान लीजिए कि गार्जियन है और ये गार्जियन इन 10 बच्चों पे प्रॉपर तरीके से देख रेख करता है, प्रॉपर तरीके से ध्यान रखता है। अब इस 10 में से क्या हो गया कि यह जो होता है कि यह आपकी कुल आपकी 9 पे प्रॉपर तरीके से ध्यान दे पाता है, 1 से लेकर 9 तक पर प्रॉपर तरीके से ध्यान दे, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 और इधर 9 10, इस पे प्रॉपर तरीके से ही 9 पे ध्यान दे पाता है, 8 पे ध्यान नहीं दे पाता कि भाई खाना पीना सही से खा रहा है, सही से चल रहा है, सही से काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। उस कंडीशन में क्या करता है कि यह 8 की स्थिति धीरे धीरे बिगड़ती चली जाएगी। मान लीजिए पोषक तत्व तो नहीं खाएगा, तो पहला नंबर शरीर कमजोर,
शरीर कमजोर हो गया, रहने सहने का सही से ढंग नहीं होगा, तो इनकी प्रकृति अर्थात कि नेचर और सिग्नेचर दोनों में चेंजेस प्रॉब्लम, एजुकेशन सिस्टम में कमी, एजुकेशन में कमी, तो अलग अलग रूप में क्या होगी, प्रॉब्लम क्रिएट होगी नंबर एट के लिए, अलग अलग तरह की समस्या उत्पन्न होगी नंबर एट के लिए। तो उस कंडीशन के लिए तो आपकी प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए क्या आता है इसमें भी कि अगर प्राकृतिक में अगर जीवों के बारे में अच्छे से जानकारी चाहिए तो हमें क्या चाहिए, हमें उनकी जाति समृद्धि पर विशेष ध्यान देना होगा। जातीय समृद्धि पर क्या करना पड़ेगा, हमें विशेष ध्यान देना पड़ेगा। एक नंबर बात जातीय समृद्धि पर ध्यान देना। दूसरा काम क्या है कि उसके अंदर कैटेगराइज करना, कैटेगराइज करना कि किनकी कौन कौन से आपकी दुर्लभ प्रजाति है, जिनकी जनसंख्या बहुत कम है, दुर्लभ प्रजाति कौन है, उनमें के बाद यह चयन करना कि कौन सी प्रजाति संकट प्राय है, कौन सी प्रजाति क्या है संकट प्राय है, कौन सी प्रजाति क्या होने वाली है कि आपकी पूरी संख्या आपका संकट पड़ा है, और कौन सी प्रजाति बिल्कुल विलुप्त हो गई है, कौन सी प्रजाति जो होगी वह विलुप्त के कागार पे है, विलुप्त के कागार पे। मतलब क्या, यह IUCN यह डिनोट करेगा कि वास्तव में क्या है कि जैव विविधता का ह्रास हो रहा है। मतलब क्या कि इसके लिए यह जो टीम बनी हुई है, यह टीम का मेन रोल क्या है कि यह जातीय समृद्धि को देखेगा कि किस क्षेत्र में किस प्रजाति वाले कौन से पौधों की संख्या में कमी आ रही है, पहला नंबर बात। दूसरा नंबर, दुर्लभ प्रजाति किनकी संख्या बिल्कुल कम बच गई है, कहीं कहीं पे दिखाई पड़ रहा है। जैसे देखिए, इसी की देन है कि आपको यह चेकअप किया गया कि भारत में दिन प्रतिदिन बाघों की संख्या घटती जा रही है, तब बाहर से बाघों को इंडिया में क्या किया गया, इंपोर्ट किया गया। तो कंडीशन क्या होता है कि पहले यह पता लगना चाहिए कि हमारे क्षेत्र में कौन से पौधे कौन से जीव की संख्या खतरे में पड़ रही है, तो उसके अनुरूप आप नियम लगा सकते हैं, उनको किस तरह से संरक्षण दे, इनके लिए कोई कदम उठा सकते हैं। तो यह जिम्मेवारी कब होगी, जब आप उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे तब। तो यह जानकारी प्राप्त करने का जिम्मा किसे दिया गया है, IUCN को दिया गया। उसके बाद क्या, दुर्लभ प्रजाति। दुर्लभ प्रजाति मतलब कुछ कुछ क्षेत्रों में, जैसे मान लीजिए कि सुंदरबन के डेल्टा वाले एरिया में बाघों के सॉरी गेंडों की संख्या अच्छी है। मान लीजिए कि हम बात कर लेते हैं कच्छ में, अर्थात कि कच्छ के जो रण है आपका कहाँ पे, गुजरात वाले इलाका में, वहां पे आपका जो गधे है उनकी संख्या अच्छी खासी है, ठीक है। और तो और आप कहिए अगर मान लीजिए पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में एरिया में भी गधे की संख्या बहुत अच्छी खासी है, गधे बोके, मतलब मैं ऐसे मतलब कमेंट सेक्शन में नहीं लीजिए इसे, मैं आपको एक्चुअल बातें बता रहा हूं कि आप एक बार नेट पे सर्च करके देखिए, गधों की संख्या अच्छी खासी है, और उन क्यों, क्योंकि वहां पे उनका उपयोग भी अच्छा खासा होता है, ठीक है। तो उनकी संख्या वहां पे अच्छी खासी है। तो यह क्या हो गया, किसी विशेष क्षेत्र में संख्याएं ज्यादा रहती है। जैसे ऊंटों की संख्या देखिए, हमारे इधर एक्के दुक्के देखने को मिलती है, लेकिन ऊंटों की सर्वाधिक संख्या कहाँ मिलती है, रेगिस्तानी क्षेत्रों में। तो रेगिस्तानी क्षेत्र उनका विशिष्ट स्थान हो गया ना जी, जहां पे वो प्रॉपर तरीके से रह पाते हैं, तब ना उसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है जी। तो रेगिस्तान की जहाज की अगर क्षेत्र की बात करें, गेंडे की बात करें, गधे की बात की जाए, अलग अलग प्रकार की जीवों की बात की जाए, तो किसी विशेष वास स्थान में रहते हैं ना जी, और उन वास स्थान में जब उन जीवों में कमी आ जाए तब तो उसे हम क्या कहते हैं, यह प्रजाति दुर्लभ हो गई है, इन प्रजाति की कमी हो गई है। उसके बाद होता है संकट पड़ाए। संकट पड़ाए मतलब जो एकदम खत्म होने के कगार पे है, ठीक है, जिसे हम विलुप्त के कगार वाले कहते हैं। संकट पड़ाए मतलब विलुप्त होने के कगार पे, ठीक है, यानी कि अब खत्म हो जाएगा तब खत्म हो जाएगा, गिनी चुनी जिनकी संख्याएं बच गई है, तो वो कंडीशन है। एक होता है आपका विलुप्त। विलुप्त का मतलब होता है जिनकी संख्या पूरा पूरी तरह खत्म हो गया, जिसे हम लोग रेड डाटा बुक में लिखते हैं, जिसे किस बुक में नोट किया जाता है जी,
जिसे नोट डाउन किया जाता है रेड डेटा बुक, रेड डेटा बुक। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि बताइए रेड डाटा बुक में किसकी संख्या दर्ज की जाती है, तो विलुप्त तो पढ़ाए वाले होंगे उनको रेड डाटा में, एकदम लाल जोन खतरा वाला जोन में इसे डिनोट किया जाएगा भाई, ये डेंजर जोन से आगे है। क्लियर है आपको? तो इस कंडीशन में इनकी निगरानी कौन करेगा? IUCN करेगा। इनमें कैसे कैसे बांटा जाता है इनकी चर्चा भी हम लोग करेंगे, लेकिन अगले क्लास में। आशा फ्रेंड्स, IUCN की घटनाएं, जैव विविधता की ह्रास की आपके रीजन, और साथ ही साथ जातीय समृद्धि के महत्व के बारे में, यह तीन टॉपिक आपने क्लियर कर लिया होगा। मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।